ਉਤਰ ਜਰਾ ਮਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਲਾ ਛੋਟੇ ਸਹੀ ਸਹੀ लाजवाब कबूतर हैं, पंजाब से आए हैं। किससे आए थे मंजूर साहब? ये चौधरी आसिफ दीना दीना से यूके में। इस टाइम बंदा यूके में, उसने इन्हें गिफ्ट किया था। यूएसए में? यूके नहीं, यूएसए में है मेरे ख्याल में, यूएसए में। बस बहरहाल पाकिस्तान से बाहर हैं। मंजूर साहब के साथ उनकी मोहब्बत है, इनके साथ लेन देन एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। इनके कबूतर वहाँ जाते हैं, वहाँ से कुछ ब्रीडर कबूतर यहाँ आते हैं, फिर एक नई किस्म की नस्ल बनाकर फिर आगे पीछे उड़ा लेते हैं। कोयटा में भी उड़ा लेते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं। हाँ ना सही, ये पंजे देखें, नाखून दुम दिखाओ असलम साहब, इसका दुम दुम का शेप कैसे, ये देखें जान दुम का शेप देखें, इसका ऊपर शेप भी आ रहा है। और ये आखिर में देखो माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। मंजूर भाई अभी और कबूतर दिखा दे। कबूतर लेने देने से दोस्ती और मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे से जान पहचान होती है। तो कबूतरों को मैं कहता हूँ कि एक दूसरे का कबूतर पकड़ कर दोस्ती के तौर पर फिर जाकर खुद वापस कोई शौकीन दे दे तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी। ये जो पकड़ के छुपा लेते हैं ना शौकीन, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर कोई किसी का कबूतर पकड़ता है तो उसके पास खुद लेकर जाए कि यार ये आपका कबूतर आया आप ले लो, तो इससे मोहब्बत और ज्यादा बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी। सही है जी, जिंदाबाद। पहले खुंडे में चलते, ये इज्तिमाई तो ये पहले खुंडे में आए हम। ये कौन से हैं आप? गुलजार भाई जरा साथ आ जाना। मंजूर साहब, मंजूर भाई आएगा, वही ज्यादा समझते हैं अपने कबूतरों को। आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करें, इसको वायरल करें। इनका खड़ा होने की स्टाइल देखे, पंजे देखे, कितने बड़े बड़े माशाल्लाह कद के कबूतर हैं। आप आओ मंजूर साहब, ये कौन से कबूतर है मंजूर साहब? इसमें मिक्स डाले हैं, मोती वाले भी कबूतर हैं और सैन वाले भी कबूतर हैं। सैन वालों को इसलिए सैन वाले कहा जाता है कि इनके जो बच्चा पहली दफा लिया था, पहली दफा जो बच्चे लिए थे वो सैन से उड़ गए थे, सारा क्वेटा शहर घूम कर फिर उसी सैन में आकर बैठे थे। तो इन कबूतरों का नाम हम लोगों ने सैन वाला रख दिया था। कोबरा कबूतर भी इसमें मौजूद है, देखे शेख, इंशाल्लाह जरूर आपको ये शौक पसंद आएगा। हम लोगों का पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं, बस शरीफ साहब मरूम ले आए थे वहाँ से कुछ ब्रीड, तो यहाँ पर ब्रीड बन गई दोस्तों के पास और शौक होता है इन्हीं कबूतरों से। गुलजार भाई अगले केज में आए आप, चलो ये बंद करो ये नीचे आ जाओ। आप अगले केज में आए, सही है जी। ये अभी हम दूसरे केज में थे, मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब के थे। मंजूर साहब, मंजूर ये फिरक कबूतर, ये फिरक इन्हें इसलिए कहा जाता है कोयटा में बलोची लफ्ज में जो रात को जो ये उड़ते हैं ना जुगनू, बर्फ के इर्द गिर्द तेजी से घूमते हैं। जब इन कबूतरों को उड़ाए गए थे ये इतनी तेजी से आसमान जाते हैं तो बलोची में उसको फिरक कहते हैं, इस वास्ते इनका नाम हमने फिरक रखा हुआ है। ये फिरक कबूतर है हमारे, जुगनू को यहाँ फिरक कहा जाता है बलोची में, जो तेज तेज उड़ता है बल्ब के आगे पीछे। जब इन्हें भी पिंजरे से केज से निकाला जाता है इसी तरह ये इतनी स्पीड से बुलंदी पकड़ते हैं, इसलिए इन्हें फिरक कहते हैं। इनके खड़ा होने का अंदाज देखें आप, इनके कुंदे देखें आप माशाल्लाह। इस टाइम घबराए हुए सारे एक जगह पर हो गए तो कबूतर जो है देख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। पंजाब में तो वही बढ़िया सो बढ़िया कबूतर दुनिया के पास है, कोयटा में हम लोग पास इस छत के पास। दोस्तों जो पहला कबूतर खड़ा है ये बैंक वाला मेरे ख्याल में गालबन, क्यों जी? जी हाँ, ये बैंक वाला ये पहला कबूतर जो आप देखते हैं, ये मेरी स्क्रीन पे आपको छोटा दिखा रहा है, ये बैंक वाली नस्ल है और आगे फिरकी इनको कहते हैं, फिरक 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 कबूतर। ये कबूतर पे दिखाओ यार, ये जो खड़ा है, ये जो सामने खड़ा है ये माशाल्लाह।
माशाल्लाह। चलो अगली कैज में चलते हैं सुहेल साहब, आपको इंशाल्लाह हम रात तक भी पकड़े रहे, आप नहीं जान छुड़ा सकोगे। ये दोस्तों शरीफ साहब, ये भी मोहम्मद शरीफ साहब के उनके ये बनाए हुए कबूतर हैं, आगे अपनी इन्हीं ब्रीडों से माशाल्लाह इन कबूतरों के काट काट इनका खड़ा होना, टोकरी वाले कबूतर, टोकरी वाले, टोकरी वाले इनका उन्होंने नाम दिया हुआ था, टोकरी वाले कबूतर। ये पीछे हटो, पीछे हो, पीछे हो, यहाँ नीचे उतारो, डब्बे पे उतारो, मोबाइल टिंग टिंग से छोटी ले लो, हाँ हाँ निकल नहीं जाने। ये टोकरी वाले इसलिए कहलाते हैं कि ये इनके माँ बाप ने जो टोकरी में अंडे बच्चे निकाले थे, शरीफ साहब ने इनका नाम टोकरी वाला रखा। ये टोकरी वाले कबूतर हैं दोस्तों, इस कबूतर को खड़ा देखें, इसके कंधे देखें, इनका खिड़ान देखें, इनके पट देखें, जिस तरह पहलवान होते हैं खड़े माशाल्लाह। ये कबूतरी किसी ने टोकरी में अंडे लिए तो उस्ताद मोहम्मद शरीफ वरूम ने इनका नाम टोकरी वाले रख दिया है। ये सियालकोटी ब्रीड के कबूतर हैं, उनसे नाम तो आप कोई भी रख सकते हो ना, शौक से बंदा अपने ऐवान का नाम रखता रहता है, तो ये शौक से नाम रखा गया कीड़े वाले, फिर एक टोकरी वाले, सैन वाले, जैसे जैसे जिस कबूतर ने परमारिश पर किया आगे परमारिश किया, उसी तरीके से ये फिर के नाम भी आते गए। देखे दोस्तों जरूर आपको पसंद आ रहे होंगे। चलो इसी तरह चलो वो बाद में खाएंगे, चलो अब इधर नीचे आ जाए अगली केज में, वहाँ भी आपको कुछ इसी तरह नीचे केज में अगर आप देखें, नीचे भी एक केज है माशाल्लाह। दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, वायरल भी करें। अब ये भी उनकी एक, ये मंजूर भाई कौन से हैं? इसमें मिक्स कबूतर है, थोड़ा सा ज़ूम किया करो ना, हल्का सा। इसमें जो है 13 वाले भी कबूतर है, F16 भी है, छुए भी है, इसमें छुए। ये दो तीन किस्म के कबूतर मिक्स है आपस में, छुए वाले भी हैं और कौन से मंजूर F16 कबूतर भी इसमें मौजूद, 13 वाले हाफिज साहब के 13 वाले कबूतरों में हैं करीब जी, डिवाइस करीब ले रहे, वीडियो सही नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है यार, यहाँ बलूचिस्तान में सिग्नल का मसला रहता है, नेट बहुत स्लो है आसफ भाई, कभी ठीक आता है कभी नहीं आता, ये इसी तरह है, ये दो तीन नेट है, अभी जो चल रहा है सही आ रहा है, देखो इधर से तो बिल्कुल सब क्लियर है, अभी ओके है, लोग कह रहे हैं सही आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख रहे हैं जबरदस्त कार्टून बना के लोग भेज रहे हैं, खुशी की इजहार कर रहे हैं, ये दोस्तों की शौकीनों की मोहब्बत है कि भाई दोस्तों सिग्नल्स की वजह से होता है, कुछ सिग्नल भी यहाँ हमारे खराब हो रहे हैं कोयटा में इस वजह से, ये देखो चल रहा नहीं है ना, ये दोस्तों सिग्नल की कमी की वजह से ये मामला होते हैं। इस तरह आप दूसरे केज में जाएंगे आप, चलो आपको अभी मैं अगले केज में ले जाता हूँ। मंजूर दा खबर, हाँ ये वाले हैं और उनासी वाले जो है ना खाकी, ये खाकी कबूतर जो है ये चक उनासी वाले हैं, दूसरे बाबू हसन। तो कोई दोस्त है कमेंट करें दोस्तों के रिजल्ट के मुतल, क्योंकि होता ये है कि कभी कभी जिस वक्त सिग्नल लूज होते हैं तो फिर वो रिजल्ट ठीक नहीं आता, ये कैमरे की कमी कुताही नहीं होती, ये इन कंपनियों वालों का कसूर होता है कि जो इतनी हाइप क्रिएट करते हैं और रिजल्ट उनका जो होता है, ये मैं कोयटा शहर में बैठा हुआ हूँ और दोनों डिवाइसेस मेरी जायज वो काम नहीं कर रही हैं। हाँ यहाँ बेहतर है ना, ये बोलो कभी आता जाता है, ये इसी तरह है, इस तरह अगले केज में जाए, ये पहले भी चलो इस तरह अगले केज में जाए दोस्तों, आप इसको कुंडे बात करते जाए।
किधर ही नहीं जाएंगे। आ मंजूर पा, अब ठीक हो गया ना वो मंजूर? ओ मंजूरा, शेखों वाले कबूतर हैं ये, शेखों वाले कबूतर है जनाब। ये पहले भी आपको दिखाए, अभी फिर हाथ में पहले दिखाए थे, अभी खड़े करके यहाँ दिखा रहे हैं आपको। ये कैसे है आसिफ भाई? जरूर हाँ जी, आप ठीक आ रहे हैं? सही, अब मैसेजेस आ रहे हैं, आप तकरीबन ठीक आ रहे हैं? ठीक ठीक ठीक। डिवाइस को ना पास रखो, उसके पास उधर हाँ, ये पास रख दो फिर जो है सही आ जाएगी। सही, ये वाला कबूतर जो ईंट पर खड़ा है इसको क्लोज करो, करीब से वो जा रहे हैं। अब ये दूसरा आ गया ईंट पर, इसको ले लो, आंख वगैरह इसकी, ये सारे पहले भी दिखाए थे। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका गाइड करने का, बहुत जिंदाबाद। चलो अभी आपको एक नए ब्रीड दिखाते हैं जो के बहुत शौक से रखे हुए। हाँ जी साहब, ये कबूतर तो ये ना, आप बताएं ना, आप बताएं ये बताएं आप, ये चप कबूतर है जनाब, चपड़े कबूतर है। चप, चप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं चपड़े। ये अमीने में शिकरों का कलर भी है, चपड़े भी हैं। ये देखें इस कबूतर की वजाकता देखें। तो दोस्तों मंजूर भाई ये कह रहे हैं कि लाला जी अकल और सियान इन कबूतरों पे खत्म है। ये जो ये कबूतर में आपको दिखा रहा हूँ इनकी बड़ी जबरदस्त है, सियान के साथ उड़ान भी इनकी मुकम्मल उड़ान है। कोटा शहर में हमने जब भी बाजियों में उड़ाया तो हमारे ये कबूतर किसी न किसी लम्बे, ये चपड़ा नस्ल के, यहाँ चप क्या लफ्ज़ हम चप इस्तेमाल, चप ये बलोची में इन्हें चप कहते हैं। ये चपड़ा, इनके कलर देखें, इसका कुंदा देखें आप। तो दोस्तों रिजल्ट आसफ भाई ये है कि यहाँ जिस वक्त सिग्नल कम होते हैं तो ये वीडियो इतनी लेंथी बन के जो है उसको चढ़ाना जरा मुश्किल होता है। तो ये दोस्तों उन चपड़े कबूतरों का कलर आप देखें, इनके कुंदे का कलर आप देखें, दोनों सफेद है। हाँ, एक आध पर इसमें हुआ। तो ये दोस्तों इन कबूतरों को कभी इसका कुंदा देखें आप, ये बड़ा, आप बड़ा जबरदस्त कुंदा है जो लोग मुझे देख रहे हैं। हाजी साहब इसका कुंदा आप खोलते हैं, आप इसकी वाइब्रेशन देखें। हाँ हाँ, हर कबूतर ये वाइब्रेशन नहीं करता, ये बिल्कुल, ये इतना घबराया हुआ है कि मैं कहाँ आ गया, ये एहसास करता। इसकी दुम देखें आप, अब ये सफेद दुम के, इसमें सफेद भी और काले पत्थर भी होते हैं। पंजे दिखाएं, ये चपड़े, चपड़े लोगो, आ मैंने चपड़े, ये इसका